हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 180 डिग्री मोड थ्री फेज VSI, और वहाँ पे हमने स्विचिंग पैटर्न के बेसिस पे सारी एनालिसिस की थी। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका 120 डिग्री मोड VSI। क्लियर, सर्किट डायग्राम तो वैसे ही बनेगा जैसे आपका 180 डिग्री में ही था। बस यहाँ पे क्या होना, थोड़ा सा आपका जो स्विचिंग का पैटर्न है वो चेंज हो जाना। क्लियर, ठीक है। तो 120 डिग्री के अपने अलग से मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है कि अभी तक हमने 180 डिग्री में क्या देखा कि इंस्टेंट टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रहा था, यानी T1 जैसे ही ऑफ हो रहा था 180 डिग्री बाद T4 ऑन हो जा रहा था। क्लियर, ये सारी चीजें थी। क्लियर, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये चीज ओवरलैप भी हो सकती है, यानी सेम लेग के दोनों स्विच आपके एक साथ ऑन भी रह सकते हैं जब आपका कम्यूटेशन डिले होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो देखते हैं अभी आगे मेरिट डिमेरिट में जब हम देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। एक चीज और हमें ध्यान रखना है इसको पढ़ते समय कि आप यहाँ पे जो लोड लेके चलेंगे वो एक थ्री फेज बैलेंस रजिस्टिव लोड है। क्लियर, ये एक थ्री फेज बैलेंस रजिस्टिव लोड है। यही एक इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है कि आपका जब लोड डिफाइंड होता है, यानी अगर आपका लोड इंडक्टिव लोड आए उस कंडीशन में आपके जो नोड वोल्टेज होते हैं वो थोड़े से आपके कैलकुलेटिव नहीं हो पाते। क्लियर, क्योंकि वो लोड पे डिपेंडेंट होने लगते हैं। लोड का जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होता है, उसका एनर्जी स्टोरेज बिहेवियर जो होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा लैग का कॉन्सेप्ट आता है करंट का। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिलहाल 120 डिग्री मोड VSI समझते हैं, उसके बाद हम मेरिट और डिमेरिट पर बात करेंगे। ठीक है, तो 120 डिग्री मोड VSI स्विचिंग का पैटर्न सिमिलर ही रहना है, कुछ अलग नहीं होना है। क्लियर, तो स्विचिंग का पैटर्न अगर हम देखें तो 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में आपका 120 डिग्री में क्या चेंज आता है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। क्लियर, ठीक है। यहां पे हमने क्या देखा था कि आपका 180 डिग्री के लिए थायरिस्टर 1 ऑन था। क्लियर, ठीक है, 180 डिग्री मोड VSI में, और उसके 180 डिग्री के बाद आपका T4 ऑन हो रहा था फॉर अनदर 180 डिग्री। क्लियर, बट इन केस ऑफ 120 डिग्री मोड आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपका जो थायरिस्टर होता है वो केवल 180 में से 120 डिग्री के लिए ही टर्न ऑन होता है, बाकी 60 डिग्री में कोई भी थायरिस्टर ट्रिगर्ड नहीं होता। क्लियर, यानी 120 डिग्री के लिए आपका T1 ट्रिगर्ड होगा। क्लियर, लेकिन बाकी बचे हुए 60 डिग्री के लिए आपका कोई भी थायरिस्टर ट्रिगर्ड नहीं होगा। क्लियर, यानी इस 180 डिग्री में से T1 जो ट्रिगर्ड हो रहा है वो केवल और केवल 120 डिग्री के लिए हो रहा है, यानी ये एंगल 120 डिग्री। क्लियर, अगले 60 डिग्री के लिए कोई भी स्विच आपका ऑन मोड में नहीं है, ना तो T1 नहीं T4। क्लियर, 180 डिग्री बाद ऑब्वियस सी बात है क्या ट्रिगर्ड होगा आपका, T4। ये T4 भी कितने डिग्री के लिए ट्रिगर्ड होगा, 120 डिग्री के लिए। अनदर 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, कोई भी स्विच आपका ऑन नहीं होगा। इसी तरह के पैटर्न आपका बनता जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 120 डिग्री मोड VSI। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं 120 डिग्री मोड VSI, क्योंकि आपका जो स्विचिंग पैटर्न है वो 120 डिग्री के लिए ऑन हो रहा है, बाकी बचे 60 डिग्री में कोई भी स्विच आपका ऑन नहीं हो रहा। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड लेग पे। सेकेंड लेग में क्या क्या एलिमेंट था, सेकेंड लेग में T3 और T6। अगर आप सर्किट देखो तो सेकेंड लेग में क्या होता है, T3 और T6 होता है, यानी T3 कितने डिग्री के बाद आपको मिलेगा, T1 के ऑन होने के 120 डिग्री के बाद आपका क्या होगा, T3 ऑन होता है, ये हमने बताया ही था आपको। क्लियर, तो यहां पे आपका T3 ऑन होगा, और T3 कितने देर के लिए ऑन होगा, फॉर 120 डिग्री के लिए। क्लियर, फिर अगले 60 डिग्री के लिए क्या होगा, कोई भी स्विच आपका ऑन नहीं होगा। फिर क्या होगा,
T3 का अपोजिट आर्म यानी T6 180 डिग्री के बाद ऑन होगा, फिर अगले 60 डिग्री के लिए आपका कोई भी स्विच ऑन नहीं होगा, क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से वही चीज आपका T3, फिर अगले 60 डिग्री के लिए कोई भी स्विच आपका ट्रिगर्ड नहीं होगा। T3 से पहले क्या रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, T3 से पहले 60 डिग्री के लिए आपका कोई भी स्विच ऑन नहीं रहा होगा, ना तो T3 ना ही T6, और उसके पहले आपका T6 ऑन रहा होगा। ये आपका स्विचिंग पैटर्न बन गया, क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड आर्म पे। थर्ड लेग आपका क्या है, T5 एंड T2। तो ऑब्वियस ही बात है, T5 क्या होगा, T3 के ट्रिगर्ड होने के 120 डिग्री के बाद आपका T5 ट्रिगर्ड होगा। T3 क्या हो रहा है, यहां पे ट्रिगर्ड हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे आपका T5 ट्रिगर्ड होगा। और कितने एंगल के लिए ट्रिगर्ड होगा, 120 डिग्री के लिए। अनदर 60 डिग्री के लिए आपका ना तो T5 ऑन होगा, ना ही T2 ऑन होगा। फिर ये 180 डिग्री कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका T2 ऑन हो जाएगा, क्लियर? फिर अगले 60 डिग्री के लिए आपका ना तो T2 ऑन होगा, नहीं T5 ऑन होगा, फिर आपका क्या होगा, T5 ट्रिगर्ड हो जाएगा, क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले भी यही पैटर्न चल रहा होगा, यानी पीछे के 60 डिग्री के लिए कोई भी स्विच ऑन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 60 डिग्री तक आपका क्या होगा, 120 डिग्री तक आपका T2 ऑन रहा होगा, और उसके पहले 60 डिग्री तक कोई भी स्विच आपका ऑन नहीं रहा होगा, क्लियर? यही हमारा पैटर्न, स्विचिंग पैटर्न बन जाता है, क्लियर? तो 120 डिग्री मोड VSI में आपने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर थायरिस्टर 120 डिग्री के लिए टर्न ऑन हो रहा है, और उसके बाद 60 डिग्री के डिले के बाद सेम आर्म का यानी सेम लेग का अपोजिट थायरिस्टर ऑन हो रहा है, यानी जो निगेटिव रूप से कनेक्टेड है, क्लियर है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक आपको क्लियर होगा, और इसी लॉजिक पे आपका पैटर्न बनता जाए। 180 डिग्री में हमने क्या देखा था, एक साथ तीन स्विच ट्रिगर्ड हो रहे थे, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, क्लियर, यानी 0 से 60 डिग्री के बीच बात करें, तो केवल क्या ट्रिगर्ड है, T6 एंड T1, क्लियर? नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए क्या ऑन है, T1 एंड T2, क्लियर? नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए क्या ऑन है, T2 एंड T3, अगले 60 डिग्री के लिए क्या ऑन है, T3 एंड T4। यानी पैटर्न तो बन रहा है यहां पे, लेकिन एक साथ तीन स्विच ऑन नहीं है, एक साथ केवल और केवल दो SCR या दो स्विचेज आपके ऑन है, और यही पैटर्न आपका बनता जाता है। यानी यहां भी क्या हो रहा है, ये 6 स्टेप इन्वर्टर ही है, यहां भी एक कंप्लीट साइकिल यानी 360 डिग्री के लिए आपको 6 पल्सेज मिलने हैं, 6 स्टेप मिलने हैं, इसलिए ये क्या है, 6 स्टेप इन्वर्टर ही है। बट यहां पे अगर सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो सर्किट डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा स्विचिंग पैटर्न के बेसिस पे, क्योंकि दो एक साथ केवल दो स्विचेज ट्रिगर्ड हो रहा है, दो SCR ट्रिगर्ड हो रहा है, क्लियर? ठीक है, तो यही पैटर्न आपका बनता जाएगा, फिर आपका T6 और T1, और फिर से वही चीजें आपकी दोबारा रिपीट हो जाने, क्लियर? तो एक एक करके देखते हैं कि आपका आउटपुट वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है, आउटपुट वोल्टेज का क्या वेव फॉर्म आता है, क्लियर? ठीक है, तो स्टेप 1, एंगल 0 से लेके 60 डिग्री, क्योंकि 6 स्टेप है, तो ऑब्वियस सी बात है हर 60 डिग्री के बाद आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, 6 और 1 ऑन है, 6 और 1 ऑन होने का मतलब क्या हो गया, क्लियर? 6 आपका क्या है, निगेटिव ग्रुप से कनेक्टेड होता है, और 1 आपका पॉजिटिव ग्रुप से। मैंने आपको तरीका भी बताया था कैसे आपने कंप्लीट करना है सर्किट को, फिलहाल हम यहीं से देख लेते हैं, क्लियर? हम पूरा पूरा सर्किट बनाते हैं, पहला सर्किट, और उसके बाद हम, ठीक है, यहां पे क्या है, 1 ऑन है, T1 ऑन है, क्लियर? ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है, फेज ए से। और क्या ऑन है आपका, और ऑन है आपका T6, T6 किससे कनेक्टेड है, फेज बी से, क्लियर? लेकिन ये फेज क्या है, निगेटिव ग्रुप का एलिमेंट। बाकी स्विचेज क्या है आपके, ऑफ है, ये फेज बी, क्लियर? बाकी स्विचेज क्या है आपके, ऑफ है, ठीक है, यानी फेज सी से आपका कोई भी स्विच कनेक्टेड नहीं है। आप चाहो तो डायग्राम बना भी सकते हो,
ये आपका ऑफ हो गया, ये आपका ऑफ हो गया, क्लियर, ये भी आपका ऑफ हो गया और ये भी आपका ऑफ हो गया, सारे स्विचेज ऑन है, ऑफ है, केवल और केवल T1 और T6 आपके ऑन है, क्लियर, ये फेज आपका बी होता है, क्लियर। ठीक है, जैसा मैंने बताया था हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट लेके चल रहे हैं क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में जाते हैं, कोई एनर्जी स्टोरेज डिवाइस नहीं है यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है केवल लॉस का टर्म ही आता है। ठीक है, तो ये आपका फेज बी, फेज ए एंड फेज सी, क्लियर, आर आर एंड आर, क्लियर। तो स्विचिंग पैटर्न आपका ये बन रहा है, ये आपका वोल्टेज वी एस, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपका न्यूट्रल ओ, क्लियर। तो केवल और केवल दो ही नोड इन्वॉल्व हैं, ए और बी, सी जो है सी के साथ जो आर्म अटैच है वहां कोई स्विच ऑन नहीं है, यानी यहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गया, यानी सी नोड एक तरह से ओपन सर्किट हो चुका, क्लियर। तो यानी अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे पैटर्न क्या मिल रहा है, यानी सर्किट अगर मैं बनाऊं तो आप क्या देख रहे हो यहां पे, ये आपका सप्लाई वोल्टेज वी एस, क्लियर, नोड ए, नोड ए से क्या कनेक्टेड है आपका रेजिस्टेंस आर, और यहां पे क्या आएगा न्यूट्रल ओ, यहां पे देखो ए से क्या कनेक्टेड है, न्यूट्रल और एक ए के बीच में क्या कनेक्टेड है, ये आपका रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, तो ए और न्यूट्रल के बीच में आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्लियर। उसके बाद क्या है बी, बी किससे कनेक्टेड है, अगर आप बी को ध्यान से देखें तो बी किससे कनेक्टेड है, बी आपका कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई वोल्टेज, क्लियर। तो यहां पे फिर से क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आर, और यहां पे नोड वी, और बी किससे कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई वोल्टेज, क्लियर। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है वी एओ इक्वल टू क्या होगा वी ओ बी के बराबर, क्योंकि पावर का फ्लो तो ऐसे ही होना है, तो वी एओ की वैल्यू क्या होगी वी ओ बी के बराबर, दोनों वोल्टेज क्या है इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या आ जाना है वी एस बाई टू के बराबर, क्लियर, दोनों रेजिस्टेंस क्या है सेम है ना, तो सेम रेजिस्टेंस है तो इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यानी वीएओ की वैल्यू क्या हो जाएगी वीओबी के बराबर इक्वल टू वीएस बाई टू, यानी कहने का मतलब क्या हो गया वीएओ और तुम्हारा वीएस बाई टू हो गया, क्लियर। वीबीओ की वैल्यू क्या हो गई, वीबीओ की वैल्यू हो गई माइनस वीओबी यानी माइनस वीएस बाई टू, एंड सी नोड क्या है कनेक्टेड ही नहीं है, तो सी नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो, क्लियर। यानी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज फेज ए के लिए वी एस बाई टू आ रहा है, बी के लिए माइनस वी एस बाई टू आ रहा है, और सी के लिए जीरो आ रहा है, क्लियर। तो हम पैटर्न यानी वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करना शुरू करें, क्लियर। तो वोल्टेज का वेव फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं यहां से, क्लियर, पहले हम वी ए का वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, क्लियर, ये आपका वी ए नॉट, यानी 0 से 60 डिग्री के लिए आपको वी ए नॉट की वैल्यू क्या मिल रही है प्लस वी एस बाई टू के बराबर, ये वैल्यू क्या है वी एस बाई टू के बराबर मिल रही है, क्लियर है। उसी समय आपको वी वी नॉट की वैल्यू क्या मिल रही है, उसी इंस्टेंट पे यानी 0 से 60 डिग्री के लिए आपको वीवी नॉट की वैल्यू मिल रही है माइनस वी एस बाई टू, माइनस वी एस बाई टू, ये क्या मिला आपको वीवी नॉट, क्लियर। ठीक है, और आपको वीसी नॉट क्या मिल रहा है, वीसी नॉट मिल रहा है आपको वीसी नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी जीरो, यानी 0 से 60 डिग्री के लिए आपको मिल रहा है वीसी नॉट की वैल्यू जीरो, क्लियर। तो लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि जब 1 और 6 ऑन है तो 1 और 6 ऑन होने का मतलब क्या हो गया, 1 आपका पॉजिटिव ग्रुप का एलिमेंट तो पॉजिटिव फेज कनेक्ट होगा, बी आपका निगेटिव ग्रुप का एलिमेंट तो निगेटिव ग्रुप से कनेक्ट होगा, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और बीच में न्यूट्रल आएगा, यानी दो रेजिस्टेंस केवल इन्वॉल्व होते हैं, तीसरा आपका इन्वॉल्व नहीं होना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पे,
सेकेंड स्टेप क्या था आपका, एंगल 60 से लेके 120 डिग्री। क्लियर। इसके पहले पैटर्न क्या था, 6 और 1 का था, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट पैटर्न क्या हो जाएगा, 1 और 2 का। आप ना हो तो देख सकते हो, क्योंकि ये एक सीरीज हायरार्की फॉलो होती है, तो आप खुद देख सकते हैं 60 से लेके 120 के बीच में आपका क्या हो रहा है, ये T1 और T2 ट्रिगर्ड है, तो पैटर्न क्या बन रहा है, 1 और 2 का। क्लियर। यानी अब हम यहां से सीधे सीधे सर्किट ड्रॉ करना शुरू करेंगे। क्लियर। अलग अलग स्विच को ऑफ करके ऑन करके करने की कोई जरूरत नहीं है। वन किस से अटैच है आपका, पॉजिटिव ग्रुप से। टू किस से अटैच है आपका, निगेटिव ग्रुप से। वन क्या है, फेज ए के लिए, और टू क्या है आपका, फेज सी के लिए। क्लियर। आप सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। तो फेज सी से क्या कनेक्टेड है, टू। तो हम जरा डायग्राम बनाए, ऑब्वियस ही बात है यहां पे कोई तीसरा स्विच ऑन नहीं है, यानी फेज भी क्या होगा, डिसकनेक्टेड, यानी वीबी नॉट की वैल्यू 0 आनी। ये आपका वीएस, ये फेज ए क्या है, पॉजिटिव ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ए और न्यूट्रल के बीच में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। क्लियर। फिर ओ और सी के बीच में क्या आएगा, ये नोट क्या हो जाएगा, सी। ओ और सी के बीच में क्या आएगा, रेजिस्टेंस। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि नेगेटिव ग्रुप फेज सी से कनेक्टेड है तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव ग्रुप फेज ए से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ए और न्यूट्रल के बीच में रेजिस्टेंस आना जैसा मैंने सर्किट में बताया था आपको, और ओ और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आना। तो यहां पे वी ए ओ क्या हो गया आपका, वी एस बाई टू के बराबर। क्लियर। इसी समय वी सी ओ की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ वी ओ सी, और माइनस ऑफ वी ओ सी का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ वी ए ओ, क्योंकि वी ओ सी की वैल्यू वी ओ ए ओ के बराबर। क्लियर। यहां से आपको दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम के थ्रू, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी एस बाई टू, और वीबीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। तो वे फॉर्म, आगे का पैटर्न हम ड्रॉ करें, जरा आगे का पैटर्न ड्रॉ करिए। क्लियर। आगे का पैटर्न हम ड्रॉ करते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए आपका T1 और T2 ऑन। क्लियर। तो वी ए ओ की वैल्यू अगेन क्या मिल रही है, प्लस वी एस बाई टू के बराबर। क्लियर। वीबीओ पे पहुंचे जरा, वीबीओ की वैल्यू क्या हो रही है, वीबीओ की वैल्यू हो जा रही है 0, ये मेरा 0 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बढ़े, वीसीओ की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, माइनस वी एस बाई टू के बराबर, माइनस वी एस बाई। क्लियर। ठीक है, ये आपका माइनस वी एस बाई। ठीक है, अब आगे का पैटर्न देखें क्या हो रहा है आपका। सिमिलर लॉजिक के थ्रू आप किसी भी स्टेप तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बस सिमिलर लॉजिक आपको यूज करना है। आगे का पैटर्न या नेक्स्ट 120 से लेके 180 तक, नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए आपका क्या होना है, इसके पहले क्या ऑन था, 1 और 2 ऑन था, तो ऑब्वियस सी बात है आगे क्या ऑन होगा, 2 और 3 ऑन होगा। 2 और 3 ऑन होने का मतलब क्या हो गया, 2 आपका निगेटिव ग्रुप, 3 आपका पॉजिटिव ग्रुप। ठीक, किससे कनेक्टेड होता है, फेज बी से, और 2 किससे कनेक्टेड है आपका, फेज सी से। क्लियर। ठीक है, तो क्या सर्किट बननी है, सर्किट तो आप सीधे सीधे बना सकते हो डायरेक्ट। क्लियर। ये आपका फेज बी। क्लियर। बी और न्यूट्रल के बीच में क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस। फिर न्यूट्रल और सी के बीच में क्या आएगा, फिर से एक रेजिस्टेंस, क्योंकि सी आपका निगेटिव ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहां पर सी आना है, ये सी। फिर से वही सारी चीजें, वी बी ओ क्या होगा आपका, वी एस बाई टू इक्वल टू वी ओ सी। क्लियर। यानी वी सी ओ की वैल्यू क्या आ जानी है, माइनस वी एस बाई टू के बराबर, और वी ए ओ चूंकि कनेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वी ए ओ की वैल्यू क्या आ जानी है, 0। तो अगला वे फॉर्म बना देते हैं फटाफट, बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत ही आसानी से इसको ग्रैब की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होता है इसमें, जब पैटर्न फॉलो होता है किसी भी चीज का तो वो बहुत ही आसान लगती है। क्लियर। यानी नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए आपका वी ए ओ की वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0। क्लियर। एंड वी बी ओ की वैल्यू क्या हो जा रही है,
प्लस वी एस बाई टू एंड वी सी ओ की वैल्यू अगेन माइनस वी एस बाई टू, यानी आपको ये फॉर्म आगे तक मिलेगा। ये वे फॉर्म क्या मिलेगा आपको आगे तक मिलेगा यहां तक, क्लियर? ठीक है, फिर आगे बढ़ सकते हैं हम, फटाफट आगे बढ़ लो। नेक्स्ट क्या आपका 180 डिग्री से लेके थीटा 240 डिग्री तक पैटर्न क्या हो जाएगा, 2, 3 के बाद क्या होगा 3 और 4, क्लियर? 3 और 4 होने का मतलब क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव ग्रुप का एलिमेंट फेज बी से, एंड 4 क्या है आपका नेगेटिव ग्रुप का एलिमेंट है जो फेज ए से कनेक्टेड है, क्लियर? तो सर्किट बना ले फटाफट। सर्किट क्या बन जाएगा, ये आपका सप्लाई वोल्टेज वी एस, क्लियर? पॉजिटिव ग्रुप बी नोड से कनेक्टेड है, वी नोड बी और न्यूट्रल के बीच में एक रेजिस्टेंस, और न्यूट्रल और निगेटिव ग्रुप क्या है आपका फेज ए, ये फेज ए इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियस ही बात है वी बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ओ ए के बराबर, जो कि वी एस बाई टू होना है, और वी सी ओ की वैल्यू क्या हो जानी है 0, क्लियर? तो यहां से क्या मिलेगा आपको, वी ए ओ की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वी एस बाई टू। तो हमने क्या देखा, वी बी ओ की वैल्यू प्लस वी एस बाई टू हो रही है, और वी ए ओ की वैल्यू माइनस वी एस बाई टू हो रही है, और वी सी ओ की वैल्यू क्या हो रही है 0, क्लियर? तो वे फॉर्म ड्रॉ कर दे फटाफट। क्लियर, वी ए ओ की वैल्यू मेरी क्या हो रही है माइनस वी एस बाई टू, क्लियर? फिर उसके बाद वी बी ओ की वैल्यू हो रही है प्लस वी एस बाई टू, एंड देन वी सी ओ की वैल्यू क्या आ जा रही है 0। क्लियर, ठीक है, अगले साइकिल पे बढ़े, बस एक साइकिल और देख लेते हैं, उसके बाद तो आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा और फटाफट आप ड्रॉ कर लोगे, क्लियर? ठीक है, तो एक साइकिल और देखते हैं यहां पे, नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल क्या होगा आपका 240 से लेके 300, क्लियर? इसके पहले पैटर्न क्या बन रहा था 3 और 4 का, तो ऑब्वियस ही बात है अगला पैटर्न क्या होगा 4 एंड 5 का, 4 एंड 5। 4 क्या आपका निगेटिव ग्रुप का एलिमेंट, क्लियर, जो किससे कनेक्टेड है फेज ए से। 5 क्या आपका पॉजिटिव ग्रुप का एलिमेंट, जो किससे कनेक्टेड है फेज सी से। सर्किट फटाफट ड्रॉ करो, वी एस, क्लियर, फेज सी न्यूट्रल के बीच में रेजिस्टेंस, न्यूट्रल और निगेटिव ग्रुप यानी ए के बीच में रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे वी सी ओ की वैल्यू क्या होगी वी ओ ए के बराबर, जो कि क्या होगा वी एस बाई टू, एंड वी बी ओ की वैल्यू क्या हो जानी है 0। तो वी ओ ए अगर वी एस बाई टू है तो वी ए ओ की वैल्यू क्या हो जानी है माइनस वी एस बाई टू, क्लियर? ठीक है, तो फटाफट देखते हैं यहां पे क्या चीजें हो रही हैं। चल ठीक है, नेक्स्ट साइकिल के लिए आप देखिए, वी ए ओ की वैल्यू अभी भी माइनस वी एस बाई टू मेंटेन है, क्लियर? इसके बाद क्या हो रहा है आपका, वी बी ओ की वैल्यू आपकी 0 हो जा रही है, क्योंकि बी नोड कनेक्टेड ही नहीं है, क्लियर? फिर उसके बाद वी सी ओ की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी प्लस वी एस बाई टू हो जा रही है, तो आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि स्विचिंग पैटर्न क्या बन रहा है। तो स्विचिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, स्विचिंग पैटर्न की वजह से अब क्या होगा, आगे वैल्यू क्या होगी 0 आएगी 60 डिग्री के लिए, फिर अगले 120 डिग्री के लिए क्या होगा प्लस वी एस बाई टू, फिर क्या होगा 0, फिर अगले 120 डिग्री के लिए क्या आएगा माइनस वी एस बाई टू, ये पैटर्न आपका बनता जाएगा, क्लियर? सिमिलरली बी फेज के लिए भी देख लेते हैं, यहां तक 0 आ गया, 0 के बाद क्या मिलना है आपको
120 डिग्री के लिए माइनस वी एस मिलना है, फिर अगले 60 डिग्री के लिए 0, फिर अगले 120 डिग्री के लिए फिर प्लस वी एस बाई टू मिलना है, फिर अगले 60 डिग्री के लिए 0। ये पैटर्न आपका बनता जाना। सिमिलरली फेस सी के लिए भी देख सकते हैं, अगले 60 डिग्री के लिए क्या मिलेगा, फिर से प्लस वी एस बाई टू, फिर अगले 60 डिग्री के लिए वैल्यू 0, फिर क्या होगा अगले 120 डिग्री के लिए वैल्यू माइनस वी एस बाई टू, फिर अगले 60 डिग्री के लिए वैल्यू 0, और यही पैटर्न बनता जाएगा। तो आप यहां पे सीधे सीधे भी देख रहे हैं, जैसे VAO की वेबफॉर्म पे आप कंसंट्रेट करिए, ये क्या है एंगल 120 डिग्री के बराबर, ये एंगल क्या है 120 डिग्री के बराबर, यानी A का वेवफॉर्म जहां से शुरू हो रहा है उसके 120 डिग्री के डिले के बाद आपका B का वेवफॉर्म शुरू हो रहा है, और यही थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में होता भी है। फेज B आपका क्या होता है, फेज A से 120 डिग्री लैग करता है। सिमिलरली ये एंगल क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, यानी 240 डिग्री। क्लियर। फेज सी क्या होता है, फेज ए से 240 डिग्री लैग करता है, यानी जो वेव फॉर्म आपका ओरिजिन से शुरू हो रहा था वो वेव फॉर्म यहाँ पे 240 डिग्री के डिले के बाद शुरू हो रहा है। तो आपने ये भी देखा यहाँ पे कि एक बैलेंस थ्री पेज आउटपुट आपको मिल रहा है। क्लियर। ठीक है, यानी एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव पल्स और एक निगेटिव पल्स मिल रहा है, जो कि अल्टरनेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं लाइन वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या होगा। ये तो हमने देखा कि फेज वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या आ रहा है, लाइन वोल्टेज के वेवफॉर्म के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, VA माइनस VB। क्लियर। तो लाइन वोल्टेज का वेवफॉर्म देखते हैं, जैसे मुझे VAB का वेवफॉर्म देखना है, VAB का मतलब क्या हो गया, VA नॉट माइनस VB नॉट। क्लियर। यानी जो आपको वी ए नॉट की वैल्यू मिल रही है, जो आपको वी बी नॉट की वैल्यू मिल रही है, उन दोनों का हमें डिफरेंस ले लेना। क्लियर। देखते हैं वेवफॉर्म का पैटर्न क्या आता है। आपको सबके लिए अलग अलग स्विचेज को ऑन करके सब करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पैटर्न देख लेंगे, उस पैटर्न के बेसिस पे बीसी का वेवफॉर्म क्या होगा, 120 डिग्री डिले करेगा, और सीए का वेब फॉर्म क्या होगा, 240 डिग्री डिले करेगा, बस यही हो जाएगा, और वो वेब फॉर्म आपको ड्रॉ कर देना। क्लियर। ठीक है, तो वी ए बी क्या होगा, वी ए नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस वी एस बाई टू, वी बी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वी एस बाई टू। तो ऑब्वियस सी बात है, वी ए बी की वैल्यू 0 से 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, प्लस वी एस बाई टू, माइनस माइनस वी एस बाई टू क्या होगा, प्लस वी एस के बराबर। ये क्या हो गया, प्लस वी एस के बराबर। क्लियर। आगे बढ़े। ठीक है, यहां वैल्यू क्या आ रही है, वी एस बाई टू, यहां वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, आपको वोल्टेज क्या मिलना है, वी एस बाई टू के बराबर। क्लियर। ये वोल्टेज क्या मिलना है यहां पे, वी एस बाई टू के बराबर। अगले में क्या हो रहा है, आपका वैल्यू क्या है, वी ए की 0, लेकिन बीबी की वैल्यू क्या है, प्लस वी एस बाई टू, यानी 0 माइनस वी एस बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस वी एस बाई टू के बराबर। यानी यहां से लेके यहां तक आपको माइनस वी एस बाई टू मिलेगा। आगे बढ़े, आगे देखो जरा, आगे क्या हो रहा है, आपको वी ए नॉट की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वी एस बाई टू, बीबी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, प्लस वी एस बाई टू। तो माइनस वी एस बाई टू माइनस वी एस बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस वी एस के बराबर, यानी ये वैल्यू आपको माइनस वी एस मिलेगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे ये वैल्यू आपकी क्या है, माइनस वी एस बाई टू, ये वैल्यू क्या है, 0। तो ऑब्वियस बात है वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वी एस बाई टू के बराबर। नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, दोनों की। क्लियर। ठीक है, ये आपका मिल गई है। नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, वी ए नॉट की वैल्यू 0 है, लेकिन आपका वीबीओ क्या है, आपका माइनस वी एस बाई टू, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्लस वी एस बाई टू के बराबर, और यही वेव फॉर्म आपका रिपीट होता हुआ चलता रहेगा। क्लियर। ठीक है, ये किसका वेव फॉर्म हो गया, वी ए बी का। ऑब्वियस ही बात है बीबीसी का वेव फॉर्म क्या हो जाना, इससे 120 डिग्री लैग करता हुआ। इससे 120 डिग्री लैग करता हुआ बीबीसी का वेब फॉर्म हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। यानी
आप क्या देख सकते हैं, आप ये 60 और ये 60 है, तो ये क्या हो गया 120 डिग्री। यानी सेम वेव फॉर्म को क्या करना है आपको, यहां से स्टार्ट कर देना, प्लस वी एस माइ, यहां पे वी एस बाई टू, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वी एस बाई टू, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वी एस, फिर वैल्यू क्या हो जानी है माइनस वी एस बाई टू, फिर वैल्यू क्या हो जानी है प्लस वी एस बाई टू, फिर वैल्यू क्या हो जानी है प्लस वी एस। क्लियर? ठीक है, यानी ये वैल्यू आपकी वी एस के बराबर है, ये वैल्यू आपकी वी एस बाई टू के बराबर है। सिमिलरली आपका ये माइनस वी एस है और ये आपका माइनस वी एस बाई टू। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे का भी वेव फॉर्म आप बनाओगे तो पीछे का वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, इसके पहले क्या होगा प्लस वी एस बाई टू और इसके पहले क्या होगा आपका माइनस वी एस बाई टू। क्लियर? ये किसका वेव फॉर्म हो गया, वी बी सी का। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, वी सी ए का भी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सबकी वैल्यू को माइनस करके फिर उसके बाद वेव फॉर्म बनाओ, आप यहां प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर? ये एंगल कितना है 60 60 120 120 180 एंड ये 240, यानी वी बी सी का जो वेव फॉर्म होगा वो यहां से शुरू होगा। यानी आप अगर देखोगे यहां पे तो जो सॉरी वी सी ए का वेव फॉर्म जो होगा वो 240 डिग्री से शुरू होगा, क्योंकि 240 डिग्री लैग करता है ये। तो जो वेव फॉर्म आपने वी ए बी का बनाया है, यानी 60 डिग्री के लिए वी एस, फिर अगले के लिए वी एस बाई टू, फिर अगले के लिए माइनस वी एस बाई टू, फिर नेक्स्ट के लिए माइनस वी एस, ये वेव फॉर्म चलता जाएगा। क्लियर? इसके पहले का वेव फॉर्म बनाना है तो पीछे के 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा वी एस बाई टू, फिर उसके बाद 60 डिग्री के लिए क्या होगा माइनस वी एस बाई टू, फिर उसके 60 डिग्री के लिए क्या होगा माइनस वी एस। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए क्या होगा आपका। क्लियर? 60 थोड़ा सा वो हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, इस 60 डिग्री के लिए आपका क्या आएगा प्लस वी एस बाई टू, नेक्स्ट के लिए क्या आएगा माइनस वी एस बाई टू, फिर नेक्स्ट के लिए क्या आएगा माइनस वी एस, फिर ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए माइनस वी एस बाई टू। क्लियर? तो यही पैटर्न आपका, क्योंकि ये 60 डिग्री आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये 60 डिग्री के इक्विवेलेंट ही है। क्लियर? तो यही आपका वेब फॉर्म रिपीट होता जाएगा। तो वेब फॉर्म बहुत आसानी से आप बना सकते हो, एक वेब फॉर्म बनाओ फिर उसके बाद 120 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद डिले डिले करते हुए बाकी वेब फॉर्म को बना दो। पीछे का पैटर्न आपको सिमिलर वे में रिपीट कर देना, और कुछ नहीं करना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि 120 डिग्री मोड में होता क्या है। क्लियर? 120 डिग्री मोड का अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट यानी सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि कम्यूटेशन डिले होने की वजह से, यानी टी वन ऑन होने के, मतलब टी वन अगर आपका ऑफ हो रहा है, ऑफ होने के 60 डिग्री के बाद आपका क्या हो रहा है टी फोर ऑन हो रहा है। क्लियर? यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि टी वन और टी फोर एक दूसरे पे ओवरलैप हो जा रहा, यानी आप ये कह सकते हो कि सेम लेग या सेम आर्म स्विचेज, या स्विचेज का मतलब क्या हो गया थायरिस्टर आईजीबीटी कुछ भी हो सकता है, स्विचेज नॉट टर्न्ड ऑन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली नहीं, टुगेदर, नॉट टर्न ऑन टुगेदर, यानी सेम आर्म आपका साथ एक साथ ट्रिगर्ड नहीं हो। क्लियर? कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि जैसे ये टी वन आपका टी वन ऑन आर्म था और ये आपका टी फोर आर्म है। क्लियर? होता क्या है 180 डिग्री के डिले के बाद आपका टी वन से टी फोर पे जाते हैं हम 180 डिग्री के डिले के बाद। लेकिन होता क्या है आपका, अगर आपको याद हो जब हमने ओवरलैप का कॉन्सेप्ट देखा था, तो अगर आपका टी वन आपका ऑफ हो रहा है, क्लियर, मान लीजिए ये टी वन आपका ऑफ हो रहा है, इसका मतलब इसका करंट धीरे धीरे रिड्यूस होकर जीरो हो रहा है। क्लियर? टी वन के लिए। क्लियर? उसी समय क्या हो रहा है आपका टी टू टी फोर ऑन हो रहा है, ये आपका टी फोर ऑन हो रहा है।
ये आपका ओवरलैप एंगल का कॉन्सेप्ट होता है म्यू, क्लियर। यानी ओवरलैप एंगल के बीच में आपका टी वन और टी फोर एक साथ ट्रिगर्ड हो गया, यानी क्या हो गई, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। अगर हम सोर्स की बात करें तो यहां पे सोर्स से क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। शॉर्ट सर्किटिंग होने का मतलब क्या हो गया, लोड तक आपका पावर पहुंचेगा ही नहीं, क्लियर। तो 120 डिग्री मोड में ऐसा नहीं है, क्लियर। 120 डिग्री मोड में क्या हो रहा है कि 120 डिग्री के लिए आपका टी वन ऑन है, फिर आपने क्या किया, टी वन को ऑफ किया 120 डिग्री के बाद। उसके बाद प्रॉपर 60 डिग्री का आपको डिले मिल रहा है, किसको ऑन करने के लिए, टी फोर को ऑन करने के लिए। तो देयर इज नो कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन ऐसा क्रिएट नहीं हो रहा है कि शॉर्ट सर्किटिंग हो सके। तो यही एक सबसे बड़ी मेरिट होती है कि आपका दोनों जो स्विच है, एक आर्म से अटैच या एक लेग से अटैच, एक साथ ऑन मोड में नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता है, ड्यू टू द 60 डिग्री डिले ऑफ टर्न ऑन ऑफ अपोजिट स्विच, क्लियर। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से आपका दोनों स्विच एक साथ टर्न ऑन नहीं हो सकता। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज मैंने क्या बताया था आपको कि लोड, वेल डिफाइंड लोड न होने की वजह से, जैसे हमने यहां पे एक बार मतलब ए और बी कनेक्ट हो रहा है तो सी को जीरो ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सी जीरो हो। अगर मान लो इंडक्टिव लोड हो तो इंडक्टिव की इंडक्टर की प्रॉपर्टी की वजह से, यानी करेंट लैग करने की वजह से वो चीजें चेंज भी हो सकती हैं, यानी उसको हम वेल डिफाइंड तरीके से बता नहीं सकते क्योंकि वो लोड पे डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है, लोड पे डिपेंडेंट। तो इसीलिए हमने क्या लिया यहां पे, प्योर रेजिस्टिव लोड लिया, ताकि आपको वो कंडीशन क्रिएट ना हो, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपका जो स्विच ऑन नहीं है, यानी जो सेम लेग का स्विच ऑन नहीं है, यही देखने को मिल रहा है ना कि एक लेग का या एक आर्म का दोनों स्विच क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो उसके फेज वोल्टेज के बारे में हमें कोई वेल डिफाइंड मतलब मेथड नहीं है कि हम उसको फाइंड आउट कर सकें या पा सकें। अगर यही प्योर रजिस्टिव है तो ऑब्वियस बात है, प्योर रजिस्टिव है तो उसका ओपन सर्किट की तरह ही ट्रीट होना है, क्लियर, और वो वोल्टेज आपको जीरो ही मिलना, क्लियर है चीज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज हो रहा है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की, परफॉर्मेंस पैरामीटर। परफॉर्मेंस पैरामीटर के लिए जरूरी क्या, आपको फूरियर सीरीज के टर्म में आपके पास रिलेशन होना। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, वी ए का वे फॉर्म ऐसे दिख रहा है, वी ए नॉट आपको क्या मिला, ये वी एस बाई टू 120 डिग्री के लिए, फिर अगले 60 डिग्री के लिए क्या मिला आपको, जीरो, क्लियर। फिर अगले 60 डिग्री के लिए क्या मिल रहा है, माइनस वी एस बाई टू, यही वे फॉर्म मिल रहा है, क्लियर। और अगले 60 डिग्री के लिए फिर से क्या मिल रहा है आपको, जीरो, ठीक है। और यही वे फॉर्म आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने इसका मतलब एक्सप्रेशन बताया था, कैसे हम इसको डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वही चीज हम करने जा रहे हैं यहां पे, यानी वी ए नॉट का एक्सप्रेशन, वी ए नॉट टी, वी ए नॉट टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा, ऑब्वियस ही बात है, केवल आर हार्मोनिक्स होते हैं, 1 3 5 डॉट डॉट क्या होता है आपका, 4 Vs बाई एन पाई। तो यहां पे Vs की वैल्यू कितनी है, Vs बाई टू है, तो Vs बाई टू होने का मतलब क्या हो गया, 4 Vs बाई टू, जो आपकी कॉन्स्टेंट लेवल की वैल्यू होती है वो यहां पे आपका Vs बाई टू है। तो 4 Vs बाई टू अपॉन एन पाई कॉस एन अल्फा बाई टू होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां पे, जहां पे वैल्यू जीरो मिल रही है आपको, पाई बाई सिक्स के बराबर, पाई बाई थ्री के बराबर, क्लियर। तो कॉस एन अल्फा बाई टू जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, ये एन पाई बाई थ्री अपॉन टू, ये आपका अल्फा क्या है, इक्विवेलेंट टू पाई बाई थ्री है। यहां पे क्या आ जाता है आपका, साइन एन ओमेगा टी प्लस एन अल्फा बाई टू आता है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई सिक्स, क्लियर। एन कॉमन ले लिया मैंने, पाई बाई सिक्स आ गया, यानी सेम एक्सप्रेशन आ गया, बस चेंज क्या है आपका, 4 Vs की जगह पे 2 Vs आ जाना है, क्योंकि आपका जो कांस्टेंट लेवल का मैग्नीट्यूड है वो Vs बाई टू है, और कोई बात नहीं है।
तो यहां पे क्या जाना है, टू वी एस अपॉन एन पाई कॉस एन पाई बाई सिक्स साइन एन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, ये आपका वी ए हो गया, क्वेश्चन नंबर वन क्लियर। सिमिलरली वी बी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री मोड में हमने क्या देखा था, ये चीज लाइन वोल्टेज के लिए आ रही थी और यहां पे ये चीज फेज वोल्टेज के लिए आ रही है, बस यही डिफरेंस है। ये नहीं कि यहां भी तुम लोग लाइन के लिए करके चले आना, क्लियर, क्योंकि लाइन फेज के लिए यहां पे हमें वैसा डिसकॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म मिल रहा है, क्लियर। लाइन के लिए आपको देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म आपको मिल रहा है, टू वी एस बाई एन पाई कॉस एन पाई बाई सिक्स, अगर वी बी ओ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री लैग कर जाएगा, यानी साइन एन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स माइनस टू पाई बाई थ्री, क्लियर, ये आपका इक्वेशन टू हो जाएगा। और सिमिलरली आपका वी सी ओ नॉट भी मिल जाएगा, सी ओ ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा एन इक्वल टू 135 डॉट डॉट टू वी एस अपॉन एन पाई कॉस एन पाई बाई सिक्स साइन एन ओमेगा, एन आपका यहां पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स माइनस फोर पाई बाई थ्री, यानी माइनस 240 डिग्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो ये तीनों फेज का आपको इक्वेशन मिल जाएगा और इसे याद करना आसान है रादर देन आप लाइन वोल्टेज के लिए फूरियर एक्सप्रेशन निकालें, ठीक है, क्योंकि आपको जब पता है कि एक स्क्वायर वेव फॉर्म, क्लियर, डिसकॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म होता है, तो उसके लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, क्योंकि हमने ये रेक्टिफायर में भी देखा था, बस वहां पे क्या था, अल्फा के टर्म में था, यहाँ पे एग्जैक्ट 60 डिग्री के लिए जीरो हो रहा है तो ये एक्सप्रेशन आ जाता। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से वही काम करते हैं, चूंकि यहां पे क्या है, सब कुछ फेज के टर्म में, किसके टर्म में है, फेज के टर्म में, तो ऑब्वियस ही बात है VPN, VPN की वैल्यू क्या होगी, VP nth हार्मोनिक्स मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू के बराबर होना है, क्लियर। तो VP की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टू वी एस अपॉन एन पाई कॉस एन पाई बाई सिक्स, यही तो होती है, जो साइन का फंक्शन होता है उसके जो भी मैग्नीट्यूड जुड़ा होता है वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है अपॉन रूट टू, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, रूट टू वी एस अपॉन एन पाई कॉस एन पाई बाई सिक्स, क्लियर, ये आपका आरएमएस वैल्यू आ गया एनथ हार्मोनिक्स कंपोनेंट के लिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज ये किसके लिए है, एनथ हार्मोनिक्स, क्लियर। एज यूजुअल क्या करना होता है, हमें फंडामेंटल वैल्यू निकालनी होती है, फंडामेंटल वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, एन की वैल्यू में क्या पुट करना पड़ता है, वन, तो आपको क्या मिल जाएगा, वीपी वन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू वी एस अपॉन पाई कॉस पाई बाई सिक्स के बराबर, क्लियर, ये आपको वीपी वन मिल जाएगा। अगर मुझे वीपी यानी ओवरऑल आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो ओवरऑल आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तरीका आपको पता ही है, ठीक है, ये आपका वेव फॉर्म है 120 डिग्री, फिर 0, फिर 60 डिग्री के लिए 0, फिर 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री के लिए 0, और ये वेव फॉर्म रिपीट होता रहता है। यानी अगर हम इस वी ए नॉट का स्क्वायर लें और इसका मीन निकाल लें, यही काम करते हैं हम, तो स्क्वायर लेने का मतलब क्या हो जाएगा, आपको जो वेव फॉर्म मिलेगा इसका स्क्वायर वेव फॉर्म कुछ ऐसे मिलेगा, वी ए नॉट का स्क्वायर ये आपको 0, फिर ये वी एस स्क्वायर बाई 4, ऐसे ये चलता जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या है, ये वी एस स्क्वायर बाई 4 के बराबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको वैल्यू, अगर एक रेक्टेंगुलर पल्स है तो वैल्यू डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, वी एस बाई 2 यानी मैक्सिमम वैल्यू लेना है, अंडर रूट कितने एंगल, यानी 180 डिग्री का ये साइकिल है, 180 डिग्री में से कितने डिग्री के लिए मिल रहा है ये पल्स, 120 डिग्री के लिए, तो ऑब्वियस बात क्या हो जाएगा, 120 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, तो क्या आ गया ये, वी एस बाई टू अंडर रूट टू बाई थ्री, यानी एक तरह से वी एस बाई रूट सिक्स के बराबर आ गया, क्लियर। तो ऐसे आप ओवरऑल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालना होता है, डिस्टॉर्शन फैक्टर, अगर हम यहां पे देखें तो वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है, वीपी वन फंडामेंटल वैल्यू अपॉन ओवरऑल आरएमएस वैल्यू, इसके बराबर होती है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। फिर क्या आता है आपका, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर का स्क्वायर माइनस वन,
यहां से आप वो चीज निकाल लेंगे, और यही चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और कैसे कैलकुलेट करनी है। अब मान लीजिए आपको लाइन वोल्टेज निकालना है, तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है, रूट थ्री टाइम्स ऑफ वीपी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टार कनेक्टेड लोड है। क्लियर? स्टार कनेक्टेड लोड है तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें अप्रोच लेना है और कैसे हमें चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर में।